नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, सपा के अंदर ही लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि देखिए धर्मेंद्र यादव जो हैं वो आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हार चुके थे, लेकिन अब वो मांग कर रहे हैं कि मुझे, यानी कि धर्मेंद्र यादव को, मैनपुरी सीट से देखिए टिकट दी जाए सपा से। और लेकिन यहाँ पे सपा जो है वो अलग खेल खेल रही है। क्या खेल खेल रही है कि सपा जो वो है, जो अखिलेश यादव के भतीजे हैं तेज प्रताप यादव, उनको सीट दे रही है, यानी कि उनको टिकट दे रही है, और मैनपुरी से सपा की तरफ से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे, ये देखिए बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए तेज प्रताप का रिकॉर्ड जो है मैनपुरी में वो सही रहा है। 2014 में जब मोदी की लहर थी तब भी देखिए उस बड़ी लहर में भी वो 3 लाख वोटों से जीते थे। जी हाँ, तो इसने देखिए इतने बड़े अंतर से जीतने का मतलब है कि आपका जो एक रिज्यूमे है वो बढ़िया बन जाता है, यानी कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको देखिए पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको भी धर्मेंद्र यादव से पहले पूछा जाएगा। तो इसलिए वही हो रहा है कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से हार गए, लेकिन हाँ तेज प्रताप यादव मैनपुरी से जीत सकते हैं, ये देखिए इसलिए यहाँ पे तेज प्रताप यादव को टिकट दी जा रही है। सूत्र के हवाले से देखिए यही खबर आ रहा है, और सपा के नेता भी देखिए यही कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को सीट की मिल सकती है। अब देखना ही होगा कि यहाँ पे धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव में कितनी लड़ाई होती है, क्योंकि धर्मेंद्र यादव ऐसा हो सकता है कि बगावत कर सकते हैं तेज प्रताप यादव के खिलाफ। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बड़े भाई अखिलेश यादव की बात मान ले वो, और क्या होता है, अपने भतीजे को ऐसा हो सकता है कि वो सीट पर लड़ने दे। लेकिन इस वक्त तो देखिए अखिलेश के परिवार में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डिंपल भी नाराज है, धर्मेंद्र भी नाराज है। अब देखना होगा कि यहाँ पे उनको खुश कैसे करते हैं अखिलेश। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।